नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। श्रद्धा मर्डर केस में आया है बड़ा अपडेट। मंगलवार को आरोपी आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट पूरा कर लिया गया है और इस टेस्ट में आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आफताब ने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ही श्रद्धा का खून किया। आफताब ने ये भी माना कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने उसके शव के टुकड़े किए और उन्हें जंगल में ले जाकर फेंक दिया। दिल्ली की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जिन अफसरों ने आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया, उनके हवाले से सूत्रों ने ये जानकारी दी है। हैरान करने वाली बात ये भी सामने आई है कि आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। आफताब ने ये भी स्वीकार किया कि उसके कई लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से करीब 250 सवाल पूछे गए, जिसका जवाब उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया। इस दौरान आफताब का व्यवहार पूरी तरह नॉर्मल नजर आया। आफताब ने कहा कि वो पुलिस की पूछताछ में भी सब कुछ पहले ही बता चुका है। पॉलीग्राफ टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद अब आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद आगे की जांच में पुलिस को मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। नार्को टेस्ट के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि जितने सवालों के जवाब आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद दिए, उसमें कितना झूठ है और कितना सच। श्रद्धा का सिर ढूंढना बना बड़ी चुनौती। पुलिस के लिए इस मामले में सबूत जुटाना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभी तक श्रद्धा का कटा हुआ सिर बरामद नहीं हो पाया है और ना ही कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार ही पुलिस को मिला है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अभी तक बरामद की गई हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है और न ही पुलिस को कोई आरी बरामद हुई है। हाँ, उसके घर छतरपुर और जंगलों से पुलिस को 4-5 चाकू और कैंची मिले हैं। इनमें 2 चाकू काफी बड़े हैं। इन सबको पुलिस ने जब्त कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि जंगलों से जो हड्डियां पुलिस को बरामद हुई, उनमें कमर, जांघ, हाथ और पैर की कुछ हड्डियां शामिल हैं, जिन्हें देखने से लगता है कि जैसे शव को किसी आरी या अन्य धारदार हथियार से तेजी से काटा गया हो। ड्रग्स लेता था तो इतना नॉर्मल कैसे आफताब? आफताब को लेकर ये बात भी सामने आई है कि वो ड्रग्स लिया करता था। पुलिस ने सिलसिले में गुजरात से एक ड्रग पेडलर फैजल मोमिन को गिरफ्तार भी किया है, जो आफताब को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। लेकिन आफताब के ड्रग्स लेने वाली बात से तिहाड़ जेल के सूत्र अचंभे में हैं, क्योंकि जब से आफताब को तिहाड़ जेल लाया गया है, उसे एक बार भी ड्रग्स या नशा लेने की कोई तलब नहीं लगी। जेल सूत्रों का कहना है कि जेल में जितने भी कैदी नशा करने वाले आते हैं, वो एकदम अलग ही पहचान में आ जाते हैं। वो बिना नशा लिए बेचैन होते नजर आते हैं, लेकिन आफताब में अभी तक ऐसा कोई लक्षण देखने को नहीं मिला। वो एकदम सामान्य जिंदगी जी रहा है, जैसे उसने कुछ किया ही ना। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।